ह्यूमन यूरिन या मानव मूत्र या पेशाब किस तरीके से खेती और गार्डनिंग में उपयोगी साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन यूरिन या मानवीय पेशाब का गार्डनिंग या खेती में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इस चैनल पर कई तरह के गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज शेयर करे जाते हैं। उन आइडियाज और टिप्स को पहले प्राप्त करने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे और तो क्लिक करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि मानवीय मूत्र या पेशाब में कौन कौन से जैविक तत्व किस किस मात्रा में पाया जाता है। मानवीय मूत्र या पेशाब में जानवरों के बराबर ही लगभग पोषक तत्व या जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मानवीय मूत्र की रासायनिक संरचना कुछ इस प्रकार की है। इसमें पानी करीब 95% रहता है, यूरिया इसमें प्रति 100 ml में 2 ग्राम रहता है, सोडियम इसमें 0.6 ग्राम रहता है, क्लोराइड इसमें 0.6 ग्राम रहता है, सल्फेट इसमें लगभग 0.18 ग्राम रहता है और पोटाश प्रति 100 ml यूरिन में करीब 0.15 ग्राम रहता है। इसी तरीके से प्रति 100 ml यूरिन या पेशाब में फॉस्फेट 0.12 ग्राम रहता है। इसी तरीके से क्रिएटिनिन जो है वो 0.1 ग्राम रहता है और प्रति 100 ml मानवीय पेशाब में अमोनिया का तत्व 0.05 ग्राम रहता है। इसी तरीके से यूरिक अम्ल इसमें 0.03% रहता है और इसी तरीके से प्रति 100 ग्राम और इसी तरीके से प्रति 100 ml मानवीय पेशाब में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.03 ग्राम रहती है और कैल्शियम इसमें 0.015 ग्राम रहता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम इसमें 0.01 ग्राम रहता है। तो इस तरीके से जो मानवीय पेशाब है वो जानवरों के पेशाब के बराबर इसमें लगभग सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ह्यूमन यूरिन या मानवीय पेशाब में जो पोषक तत्व या जैविक तत्व पाए जाते हैं वो उसके भोजन के स्वास्थ्य और जो वो पानी पीता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन आमतौर पर मानवीय पेशाब में निम्न चीजें पाई जाती हैं। उसमें पहली चीज है जो ऑक्सीजन तत्व है जैविक रूप में वो प्रति लीटर करीब 8.25 ग्राम रहता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन प्रति लीटर मानवीय पेशाब में 8 से लेकर 12 ग्राम तक हो सकता है और कार्बन की मात्रा रहती है मानवीय पेशाब में वो रहती है 6.87 ग्राम प्रति लीटर। इसी तरीके से हाइड्रोजन की मात्रा प्रति लीटर मानवीय पेशाब में रहती है 1.51 ग्राम प्रति लीटर। तो ये तत्व जो मानवीय पेशाब में पाए जाते हैं वो पौधों के जो भोजन है उसके लिए बहुत ही आवश्यक रहते हैं और इस तरीके से अगर मानवीय पेशाब का हम खेती या गार्डनिंग में प्रयोग करें तो इससे हम बहुत ही अच्छा फायदा ले सकते हैं। मानवीय मूत्र या पेशाब ये कहाँ से मिलेगा ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपको पता है और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मानवीय मूत्र या पेशाब को गार्डनिंग और खेती में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है जिससे हम अपने पौधों या अपनी फसल में ज्यादा उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। मानवीय मूत्र या पेशाब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर आप इसका उपयोग खेती या गार्डनिंग में करना चाहते हैं, अगर आप इसको सीधे देना चाहते हैं तो आप इसमें 1 भाग पेशाब में 10 भाग पानी मिलाइए और अगर आप इसका पत्तों या पर्णी उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप पेशाब में 1 भाग में आप 15 भाग पानी का मिलाइए, फिर आप इसका छिड़काव सीधे पत्तों पे कर सकते हैं।
इस पेशाब को फॉयलर फर्टिलाइजर या पर्णी उर्वरक या जो खाद पत्ते में सीधे दिया जाता है उसके तौर पर उपयोग करने से पहले आप पौधे के किसी एक पत्ते में इसको टेस्ट करके देखिए। अगर उस पत्ते को कोई नुकसान नहीं होता है तो फिर आप पूरे उस पौधे में इसका छिड़काव बड़ी आसानी से कर सकते, फिर आप इसका छिड़काव पूरे पौधे में कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप अन्य गार्डनिंग और खेती करने वालों से शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी जगह पर किसी नई जानकारी के साथ।